डियर स्टूडेंट, कल हम लोग ने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। चैप्टर फर्स्ट में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में पढ़ा था, तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो फर्स्ट क्या दिया है? फर्स्ट दिया है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं, जितनी भी सजीव चीजें होती हैं, वो क्या करती है? ब्रीथ, यानी श्वसन करती है, सांस लेती है। श्वसन में क्या करती है? ऑक्सीजन अंदर लेती है एंड ऑक्सीजन ब्रीथिंग करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। एंड सेकेंड देखिए, सेकेंड दिया है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? विकास करते हैं। लिविंग थिंग्स विकास करती हैं, जैसे उनका शरीर क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता रहता है। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। एंड थर्ड दिया है लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं, जैसे विंटर है, मौसम चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, विंटर में ठंडी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसे फील करते हैं। गर्मी है, उसे हम फील करते हैं। यदि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट आप देखें, सनफ्लावर देखें, सन की रोशनी पाते हैं, सनलाइट पाते हैं, क्या करते हैं? जैसे जैसे जो है लाइट घूमता है, वैसे वैसे क्या करते हैं? सनफ्लावर भी घूमते हैं। एंड फोर्थ देखिए, लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड। जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं, जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको भोजन की जरूरत होती है। इसके लिए फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए हमें जो है भोजन की आवश्यकता पड़ती है। एंड फिफ्थ, लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितनी भी सजीव वस्तु होती हैं, वे गति करते हैं, गति करने पर चलते हैं। यदि पेड़ की बात करें तो पेड़ चलते नहीं है, पेड़ तो क्या करते हैं? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करते हैं। जैसे वो क्या करते हैं? ऊपर की तरफ बढ़ते हैं एंड नीचे की तरफ उनके जड़ बढ़ते हैं, उनके रूट्स बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, यानी पुनर्निर्माण करते हैं। प्रजनन करने का मतलब पुनर्निर्माण। जैसे क्या होता है? पेड़ होता है, बढ़ाता है, लेकिन उसके मतलब कितने पेड़? उसके बीच से जो है कई सारे फल, कई सारे बीज, उनके बीच से कई सारे पौधे निकल जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो आज हमने जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा, जबकि ये सब जो है क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में ये सभी गुण नहीं होते। नॉन लिविंग थिंग्स नहीं ब्रीथ करता है, नहीं श्वसन करता है, नहीं उड़ता है। जैसे आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, इनकी साइज जो होती है वही रहती है, ये ग्रो नहीं करते। नॉन लिविंग थिंग्स नहीं फील करते हैं, ऐसा नहीं है ठंडी गर्मी सब ये फील करें। नॉन लिविंग थिंग्स कभी फील नहीं करते, निर्जीव वस्तुएं कभी फील नहीं करती। लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए फूड की कोई जरूरत नहीं है। डोंट रिक्वायर फूड। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट शो मूवमेंट। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मूवमेंट नहीं करते। एंड लास्ट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बट नॉन लिविंग थिंग्स डोंट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं।